मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द सीड्स एंड टूडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. यानी सीड्स में से पौधे का कैसे निकलता है उसके बारे में बताया जाएगा. जर्मिनेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ए सीड ऑफ स्टार्टिंग टू ग्रो, यानी कि क्या क्रिया होती है जिससे उसमें से पौधा निकलता है. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इन टू ए सीडलिंग. Inside wet soil, the seeds absorb water and the cells of the embryo start dividing and it increase in size. जो बीज होता है जब हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी गीली गीली होती है. अब उस गीली को जब वो मिट्टी में से उसको एब्जर्व करता है, वाटर को एब्जर्व करता है, तो उसमें से एम्ब्रियोज क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है जो उसके बीच की एक पॉइंट होता है जिसमें से ये क्या हो जाता है, एक ब्रेक. जैसे आपने राजमा का सीड्स देखा होगा उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ उसके व्हाइट सी एक लाइन होती है, तो वहां से क्या होता है ये दो पार्ट में, मतलब इसका डिवाइड, मतलब ये मतलब फूल जाता है और डिवाइड होना शुरू हो जाता है. इट इंक्रीज ए साइज और उसकी साइज भी बढ़ जाती है. द सीड कोर्स ब्रोक ओपन, ब्रेक्स ओपन और उसमें क्या होता है सीड्स उसका जो होता है वो खुल जाता है. फर्स्टली द रूट रेडिकल स्प्राउट एंड ग्रो डाउनवर्ड. सबसे पहले उसमें से क्या होता है, देखिए इस तरह से क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है. रेडिकल से फिर क्या होता है, ये देखिए जड़ निकल रही है, ये निकलना शुरू होती है नीचे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ से. फॉलोड बाय द शूट एंड प्यूम्यूल विच प्रोड्यूस द स्टेम एंड लीव्स. उसके बाद क्या होता है, उस शूट से क्या निकलती है, आपके लीव्स निकलना शुरू होती है और स्टेम निकलना शुरू होता है. द सीडलिंग ग्रोज ग्रीन लीव्स एंड कॉटिलीडन्स ड्राई अप और उसके बाद जब वो लीव निकलती है तो जो आपका बीज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सूख जाता है. इट सून ग्रोज इंटू एन एडल्ट प्लांट और वो फिर क्या बनता है, एक बड़ा पौधा बनता है. सनलाइट वाटर ऑक्सीजन आर एसेंशियल टू कैरी आउट जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड के अंकुरण के लिए सनलाइट वाटर और ऑक्सीजन एसेंशियल है, मतलब